this kind of film audience reaction is was very important, because it was a very different kind of movie. It was not everybody's cup of tea, but the way the audience and my fans have taken to it, I think I'm quite surprised but very, very happy. And yeah, I think we're very excited because it was a very different film. I mean, you know, a kind of film which is, you know, talks about a house husband and a working woman. And today it's a very relevant topic because I think most women are working, everyone. You know, today it's a very, no woman wants to be, you know, at home. Everyone wants to follow their dreams. So I think somewhere this film kind of inspired the youth, which is what I'm very, very happy with. I didn't know how difficult it is to be a homemaker. जब फिल्म की तो ऑटोमेटिकली आप समझते हो कि घर पे सबसे पहले जागना पड़ता है अगर आप घर संभालते हो, और सबसे आखिर में सोना पड़ता है, यानी कि आपका 9 to 5 नहीं, जैसे आप सबका फुल टाइम जॉब है वैसे एक होम मेकर का भी फुल टाइम जॉब हो. सो या आई रियलाइज दैट व्हेन आई डिड द फिल्म. वी मिस्ड यू, वी एंड अर्जुन जी मिस्ड यू ड्यूरिंग प्रमोशंस. क्या वजह रही कि आप प्रमोशंस टाइम पे थे नहीं मैम? कहाँ, कौन से प्रमोशंस के टाइम में? स्क्रीनिंग के टाइम पे. ओ, स्क्रीनिंग वाज स्क्रीनिंग वाज आई डोंट सी माय ओन मूवीज. सक्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप नहीं आए? No, at that time I wasn't in town. That day I wasn't in town, so I couldn't do it, and they had to do it. They wanted to do it that day. Also, film is a success. I think my fans have said the films are a success. So I don't like to talk about my success. I like people to talk about it. Okay, he hasn't seen the film yet. But हम लोग पिछले 4 दिन से पिक्चर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता है. नहीं, बिल्कुल नहीं. क्यों होगा, मैंने कोई जुर्म किया है? मैंने कोई काइंड या कलेश किया है? आई थिंक बोथ आर वेरी गुड, लेकिन करीना ने तो बहुत ही हाई जो है बार हम लोगों के लिए रेस कर दिया है. शी इज द एपिटमी ऑफ मॉडर्न वुमन, एंड जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार किए हैं, उन्होंने आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन के लिए जो गीत का किरदार किया था जब भी मेट में, वहाँ से ही हमारे लिए काफ़ी स्टैंडर्ड्स हाई कर दिए थे. और अब जो की का कैरेक्टर है वो भी जो रोल रिवर्सल में ऐसे दिखाया गया है, जो जिस तरह से समाज में लड़कियों का जो स्थान है वो बदल रहा है, और जिस तरह से लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इन एवरी वे, चाहे वो प्रोग्रेस ऑफ देयर फैमिली हो या कंट्री हो या सोसाइटी हो, तो ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फिल्म है हमारी सोसाइटी के लिए. काफ़ी हमारी लंबी जर्नी रही है, लोगों को लगता है कि एकदम से बेबी डॉल से मीर ब्रदर्स कहाँ से आ गए. लोगों को याद नहीं है कि हमारी उसके पहले 7 फिल्में आ चुकी हैं, और हमारे बहुत से गानों पर वो लोग पहले इन्जॉय कर चुके हैं. और जब ब्लॉकबस्टर गाने आते हैं तो आपकी पहचान बनती है. सो वी बिन लकी कि बेबी डॉल के बाद वी बिन गेटिंग ब्लॉकबस्टर्स ईच एक के बाद एक. इसका भी हाई हील्स हमारा गाना सुपर हिट हुआ है, इसमें किए नाम. सो ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है. For more videos, please subscribe to Bollywood Asia.